वालेकुम जी, मैं हूँ आपका मेज़बान शहरयार भट्ट अटक न्यूज़ अलर्ट से। और आज हम मौजूद हैं जमात इस्लामी के अलखदमत मरकज़ डिस्ट्रिक्ट जिनका हेडक्वार्टर है अटक में, वहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहाब रफीक मलिक साहब, जो यहाँ पे इलेक्शन सेल के इंचार्ज हैं और इस इलाके के कौंसलर रहे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कुछ मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है, जो करोना की वबा फैली हुई है उसके हवाले से, जमात इस्लामी की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल्स पूछेंगे। और राशन ड्राइव जो यहाँ से हो रही है हकदारान को या सतहत पोष तबके को, कि जिनकी इस वक्त माशी सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत दिगर गूँ है और वो लोग अपनी पूरा नहीं कर पा रहे, उनके लिए जमात इस्लामी पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जिसने सबसे पहले एक्शन लिया। तो हम पूछना चाहेंगे कि अटक में इस हवाले से क्या काम करें जमात इस्लामी। अस्सलाम वालेकुम शाहब साहब। थैंक यू वेरी मच जी। शाहब साहब, थोड़ा सा तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो भी आपने अभी तक एक्टिविटीज़ की हैं, एक उनका एक छोटा सा ओवरव्यू हो जाए कि कब से आपने यहाँ पर एक्टिविटीज़ शुरू की और अब तक क्या क्या किया है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस की वबा के फैलाव के बाद लॉकडाउन का जब सिलसिला शुरू हुआ, तो जमात इस्लामी की क़यादत ने इसके आने वाले आफ्टर इफेक्ट्स और इसके मसाइल को पहले से भांप लिया था। अमीर जमात जनाब सैयद हक साहब ने उसके फौरन बाद हमें हुक्म जारी किया कि जमात इस्लामी और जो है ना अखदमत फाउंडेशन, ये अपने तमाम एक्टिविटीज़ को जो है ना मनसूख कर दे और सिर्फ कोरोना के हवाले से जो मुतासरीन हैं उनके रिलीफ के लिए अपनी तमाम सलाहियतों को, अपने वसाइल को, जानी माली अपराधी कुवत को इसके लिए मुख्तस कर दिया, इसके लिए मुकर्रर कर। उस दिन से ले कर आज तक हमारी पूरी टीम जो है, हमारे दफातर, हमारे काकुनान, हमारे जिम्मेदारान इसी सुबह शाम इसी मुहिम के अंदर मसरूफ़ हैं, लगे हुए हैं। हम समझते हैं कि इस लॉकडाउन के बाद जो सबसे ज़्यादा जो तबका मुतासर हुआ है वो आम तबका था, जो सुबह कमाता था या शाम को अपने फैमिली को सपोर्ट करता था, कम खाता था, जिसे हम कहते हैं आप दबा में कि तैड़ीदार तबका कहते हैं, जो सतहत पोष तबके, जो मेहनत करके कमाता है, जो किसी मांग नहीं सकता, किसके हाथ के आगे हाथ नहीं फैला सकता। तो जमात इस्लामी ने इस बार का फैसला किया अलखदमत फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से कि हम उन लोगों को इंशाल्लाह इस इशू के ऊपर न तनहा छोड़ेंगे, न उनको बेयर मददगार छोड़ेंगे, और इस मुश्किल किस घड़ी में, मुसीबत किस घड़ी में हम इंशाल्लाह अपने पूरे वसाइल के साथ उनकी सरपरस्ती भी करेंगे और उनके साथ उनकी मामलत भी करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हमने इस कागज अपने आप से किया, जमात इस्लामी के काकुनान ने पहले अपने माल जो है इस फंड में जमा कराया, मैंने खुद अपना माल जमा कराया, हमने अपने घर वालों को कहा, मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ, अपने घर वालों को कहा कि हम इस ईद पे अपने कपड़े नहीं बनाएं, बच्चों को कहा कि आपने जो कलेक्शन जमा की हुई है, बच्चे जमा करते हैं, उनका कहा इसको निकाल दो, ये मौका आया कि इस कौम के साथ वक्त आजमाइश का, अल्लाह के बंदे परेशान है, तो अपने आप से शुरू किया हमने, इसके अंदर फंड में अपने पैसे जमा कराए और उसके बाद हमने अहले ख़ैर लोगों से रब्ता किया है सोसाइटी की, कि वो भी इस अपने दिल खोल के उन्होंने कहा कि देखो ये वक्त नहीं है कि अपने घरों के दरवाज़े बंद किए जाएं, ये वक्त है कि अपने दिलों के दरवाज़े, अपने घरों के दरवाज़े इस मुसीबत की घड़ी में, मुश्किल घड़ी में गमगुसारी की जाए, लोगों के लिए उनको खोला जाए, दिलों को खोले। और लोगों ने अलहम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर बड़ी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि लोग जो हैं वो हम पे एतमाद करते हैं, लोगों ने दिल खोल के हमें इसमें फ़ंड दिए हैं, तैयार दिए हैं। तब भी ऐसा हो सकता है कि देखिए अब ये दारुस्सलाम कानूनी जो आबादी है वहाँ के कम व पेश आज तक हम 200 जो मुस्तकीन हैं, जो मुतासरीन हैं कोरोना वायरस की वजह से, जो लॉकडाउन वजह से, हमने बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी इज्जत नफ्स को उनके बका रखते हुए हमारे कारकुनान ने घरों तक जाकर राशन को पहुँचाया है, ताकि वो शाहब साहब ऐसा भी आपने बताया कि 200 खानदानों का अब तक आप जो है वो दारुस्सलाम कॉलोनी में आप प्रोवाइड कर चुके हैं। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, शायद आपको बुरा लगे या शायद सुनने वाले हमारे नाज़रीन को, देखने वाले नाज़रीन को बुरा लगे, कि देखें जितनी सियासी जमातें हैं सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही हैं कि कहीं पे कोई थोड़ा सा चावल दे के अंगूठे लगवा रहा है, कहीं पे साबुन की चाकी एक दे के तस्वीरें बनाई जा रही हैं, तो जमात इस्लामी अगर अटक में इतना काम कर रही है तो ये तस्वीरें क्यों नहीं बनाती, क्या जमात इस्लामी? मैंने कहा ना कि हमारे लिए सबसे बड़ा इशू जो था इस वक्त वो ये था कि हम उन सफेद पोश लोगों की नफ्स का ख्याल करें। मैं आपको पूरे मतलब जिम्मेदारी के साथ और पूरी अल्लाह को हाथ जान के इस बात का बयान करना चाहता हूँ कि मैं चूँकि इस्लाम हमारे में था ना, हमारे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि पीपल्स कॉलोनी में सर शेख साहब, शहर में हमारे जिम्मेदार वकाउद्दीन साहब, वही दफ्तर साहब, मैं दास्तान में, मैं खुद ये पूरा दास्तान कॉलोनी एरिया है
इसकी जो बहुत बड़ी बात है इनको करने के लिए। तो आप यकीन करें कि जानशी करने की बात भी नहीं है कि यकीन क्यों ना करें कि हम ये शाम तक पैकिंग करते थे और इशा की नमाज के बाद हम जाते थे लोगों के पास, जानते थे हम जिन लोगों को है ना कि गुज़िश्ता, मैंने पहले से कर चुका हूँ, गुज़िश्ता 20 साल से मैं और हमारा ग्रुप जो है हम यहाँ से 2 बार यूनियन कौंसिल के इलेक्शन में और 1 बार वार्ड के इलेक्शन में यहाँ से अल्लाह ने अल्लाह करम से और आवाम की वोट से हम लोगों ने यहाँ से हमें जीते। तो हमें अपने वार्ड और अपनी सड़कें के एक फ़र्क का पता है कौन लोग मुतासर हुए, तो हमने लोगों के घर जाकर राशन पहुँचाए, हम लोगों को लाइन में खड़ा नहीं किया, हमने उनका ड्रामा नहीं बनाया, हमने उनकी जिंदा मजरू नहीं की है, हमने उनका मजाक नहीं बनाया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि तहसील तक के अंदर ये हमारे बैठे हैं जिम्मेदार तहसील के, वो अब्दुल्ला जुबैर साहब क्योंकि इनकी निगरानी में इस साल तहसील में काम हुआ, मिर्ज़ा गाँव के अंदर, शकरदारा शिबाग के अंदर, अदिशाह के अंदर, इन शहर की जो बाकी बस्तियों के अंदर हमारे कारकुनान ने मेला लगाए बगैर, को ड्रामा नाटक बनाए बगैर लिस्टें बनाई, लोग जानते हैं उनका, हम इसको जानते हैं कि हम लोगों के दरमियान रहते हैं, हम इन लोगों में से हैं, हम इन ऐसे लोग नहीं है कि जो लोगों से कोई बाहर रहते हैं, लोगों के आगाह नहीं है। इस तरह जितने मेरे समेत जितने हमारे में नाम नहीं है, बहुत ही मेरे भाई दफ्तर साहब हैं, हमारे जिम्मेदार हैं शेख सराज सफी में, तो वो लोग हैं कि जो लोगों में रहते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं लोगों में, उन्हें पता कि यार कौन बंदा जो है मुतासर हुआ है, तो हमने उनकी पूरी ख्याल किया उनके नफ्स का और अंधेरे के अंदर, बिल्कुल मैं इस बात का छा दे सकता हूँ, हलफ दे सकता हूँ कि हमने अंधेरे के अंदर जाकर उनको फोन पे बाहर बुलाया फ़ोन करके, या उनको नॉक करके उनको बड़ी इज्जत के साथ को वो राशन पहुँचाया ताकि उनकी इज्जत नफ्स में जुड़ू ना हो। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अच्छा शाह साहब, ऐसा है कि देखिए आगाही सेंटर है यहाँ पे, तो आगाही सेंटर आपने बनाया हुआ है यहाँ से, तो आप आगाही कैसे फ्राहम कर रहे हैं लोगों को, आवाम तक कैसे पहुँचा रहे हैं पैगाम, या जो सोशल डिस्टेंसिंग का एक कहा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसका भी एक मुजाहरा यहाँ पे भी हो रहा है कि हम थोड़ा सा फासले पे बैठ के बात कर रहे हैं, थोड़ा सा महसूस हो रहा है, तो आप किस तरीके से आगाही फ्राहम कर रहे हैं? ये तो था ना आगाही जो थी, ये तो हमारे इस मुहिम का बहुत पहला फेज था, जब ये कोरोना वायरस की वबा फैली थी, हुकूमत जो है वो ख्वाब खरगोश में आराम फरमा रही थी, उस वक्त के जमा सामी ने इस बात का तैयार किया, और ज़िला अटक के अंदर मैं चूँकि ज़िली टीम का हिस्सा हूँ उसमें मेरी इन्वॉलमेंट होती है, कमोबेश 30,000 से ज़ायद हमने एक बड़ा खूबसूरत हैंडबिल एक प्रिंट करवाया, जिसमें पहला इशू ये था कि रजूलल्लाह के हवाले से दुआएँ थी, तो उसके पीछे साइड पर हमने लोगों को एहतियात तदाबीर लिख के बताई नहीं थी, तो हमारे कारकुनान ने पूरे ज़िला अटक के अंदर ये दस्तान भी पूरे ज़िला अटक के अंदर देहातों लोगों पर जाकर उनकी मुलाकातें करके उन्हें आगाही फराम की कि आपने, अगर मैं अभी मेरे पास गाड़ी पड़ा होगा अभी मेरे हाथ में नहीं है, उसके अंदर पूरी डिटेल थी ये, तो बाद उसके बाद ये सोशल मीडिया के ऊपर और टेलीविजन के ऊपर लिखा आ रहा है बार बार कि जी हाथ धोएँ, उसमें याद है उसका पहला नुकता ये था कि नमाज पंजगाना का एहतमाम करें, नुकता ये था हर नमाज से पहले ताज़ा वजू करें, ठीक है जी। तो ये बातें वो हैं जो जमात सामी के कारकुनान ने देहातों के अंदर, जहाँ लोग बहुत कम अवेयर होते हैं, ठीक है, शहरों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, मैं बताया कि कम अज़ कम 30,000 से 40,000 जो एंड छुपाया हमने लोगों ने हमारे कपड़ों ने जाके वो तकसीम किया, लोगों को बीमारी से बचना है और इसके लिए किसी जरूरत खौफ नहीं है। मैं एक बार जान भी और भी चाहूँगा कि आप यहाँ से बताऊँ हमारे से, यहाँ बड़े बड़े लोग हम किसी को हम क्रिटिसाइज नहीं करते, उन्होंने कहा आइसोलेशन, लेकिन हमारे बुजुर्ग, हमारे काकुनान, मुझ समेत हमारी सारी टीम सुबह से लेकर रात तक इस आवाम की खिदमत में और उनको आगाही फराम करने के लिए अपने काकुनान गली गली जा लोगों में अवेयर भी किया और उनको हमारे से बखबर भी की। तो हमने हमारे किसी बुजुर्ग जवान ने कहीं पर भी मैं सोशल इख्तियार की, क्योंकि हम समझते हैं कि ये मुश्किल घड़ी है, इसमें आइसोलेशन इख्तियार करना हमारी जो है ना शरीयत के अंदर से इजाज़त नहीं है, हमारे मिजाज की इजाज़त नहीं है कि हम कहें जी हम तनाव जो है छुप के बैठ जाए, नहीं मैदान में निकले, हाँ कुछ तदाबी इख्तियार की हैं, हाथों को धोने का अमल, मास्क को इस्तेमाल करने का अमल, डिस्टेंस रखने का अमल, जितने भी अवामिल हैं इंसानी ज़िंदगी की हुरमत है बहुत बड़ी, तो उसको उनको पूरों को हमने इस्तेमाल करते हुए हमने लोगों से रब्ता रखा और लोगों को अवेयर करने बाखबर करने के लिए आगाह करने के लिए अपनी तमाम तर जो वसाइल इंसानी
या माली या जो भी मकसद उनको हम इस्तेमाल किए इंशाल्लाह। ठीक है, अभी साहब साहब आपने एक बात की आइसोलेशन के हवाले से, तो यहाँ पे छोटा सा एक मेरा सवाल बनता है कि आप स्पेसिफिकली ये जो कारकुनान जो मदद कर रहे हैं या जो आगाही दे रहे हैं उनके हवाले से आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, जनरल पब्लिक को भी आइसोलेट नहीं होना चाहिए क्योंकि इस्लाम के मुताबिक जनरल पब्लिक को आइसोलेट होना चाहिए, और यहाँ तक ये भी है कि आप नमाज घर में पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई वबा होती है, तो आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कारकुनान की कि जो लोगों की मदद कर रहे हैं वो आइसोलेशन का ना सोचें कि अगर वो बैठते हैं तो मदद नहीं कर सकते, या जनरल पब्लिक को भी कहते हैं कि आइसोलेट होने की जरूरत नहीं है इससे ताकि मेरी इससे मुराद ये थी कि देखिए कल भी प्रोग्राम के अंदर बैठे थे बुजुर्ग लोग, तो ये वो वक्त था ना कि वो लोग जिनको अवामी नुमाइंदे कहते हैं, मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, नुमाइंदों बल्दियात का गली कूचों के लोग जानते हैं, मैं लोगों को जानता हूँ, तो ये उन लोगों का वक्त उन लोगों की आजमाइश थी कि वो लोग मैदान में निकलते लोगों के पास जाते, और हम तो ये पहले से ही कह रहे हैं कि जिस जितने अच्छे तरीके से ये नुमाइंदे जो हैं ये अपने लोगों को मिल सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं, मस्जिद में खड़े होकर नमाज के बाद खड़े होकर आगाह कर सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं, इतने तो और आम पब्लिक नहीं कर सकती, और फिर पब्लिक भी जो है लोगों की जो नुमाइंदे जिनको उनको वोट दिया था, अपना मतलब कौंसल बनाया था, जो अपने दयालिक को चेयरमैन बनाया था उन्होंने, तो उनकी बात वो सुनते तो जो के साथ हैं यार ये मार नुमाइंदा क्या बात कर, तो उसके बाद वजन होती है बात के अंदर। तो मेरा मुराद ये थी कि हमने इसे जिम्मेदार के बेसत अवामी एक नुमाइंदे के बेसत एक अपना मुसलमान या इंसानियत के मददी के साथ खुद भी और अपनी पूरी टीम को मोबिलाइज किया कि खुद वो सारे तदाबीर जो हैं उनको बोरकाय लाते हुए उनको इतना इस्तेमाल करते हुए लोगों को आगाही फराम करें, उन्हें अवेयर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवाल पूछने का मकसद यही था कि थोड़ा सा कि अब हम नारे बात में शवाब शहाब साहब के कहने का मतलब ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग पब्लिक के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो लोग जो नुमाइंदे रहे हैं या सियासी वर्कर हैं समाजी रजाकार हैं वो लोग और उनकी टीमें मोबिलाइज हों उनको आइसोलेट नहीं होना चाहिए, उनको इस वक्त तमाम से दूर नहीं होना चाहिए, उनको आवाम के करीब होके उनकी मदद करनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अलखिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी की रजाकार जमात इस्लामी की टीमें कर रही हैं। अच्छा शाहब साहब, यहीं पर एक और सवाल के डिसैनिटाइजेशन की गई है तकरीबन तमाम इलाकों में, तो अटक में आपने कहाँ कहाँ पर डिसैनिटाइजेशन अभी तक की है, मस्जिद में, चर्चेज में, मंदिर में, क्योंकि अटक में भी ये सब तमाम मजाहब के लोग मौजूद हैं, इबादत खाने उनके मौजूद हैं, मस्जिद मौजूद हैं, चर्चेज मौजूद हैं, मंदिर मौजूद हैं, तो आपने अभी तक डिसैनिटाइजेशन कहाँ कहाँ तक की है, और वहाँ पर आप डिसैनिटाइजेशन के अलावा कोई सैनिटाइजर मास्क और इस तरह की चीज़ें कोई इक्विपमेंट्स आपने जो प्रोवाइड की हो? मैं बताऊँ आपको कि हमारी एक मीटिंग हुई थी बहुत शुरू में जब अभी लॉकडाउन से शुरू हुआ था, तो उस आधे सप्ते की ज़िली मीटिंग के अंदर जनाब हमारे जामा मस्जिद तस्लाम कॉलेज के खतीब हमारे तादुलमा के हमारे ज़िला टेक सदर हैं मौलाना इबुल्ला साहब, उनकी ज़िम्मेदारी लगी थी और कि वो तमाम मसाजिद में रबता करके और उन लोगों के साथ से करेंगे, और जहाँ तक हमारी अप्रोच हुई हमने वहाँ पर जहाँ गस्सा पर बिछी थी हमारी जामा मस्जिद जो है यहाँ से हमने आगाज़ किया तस्लाम कॉलोनी के हमारे साथ ही मस्जिद कायम हमारी जामा मस्जिद तस्लाम की, यहाँ पर कारपेट थे वो उठाया हमने और फर्श को उनको साफ़ किया, और ये हमने तमाम लोगों को मस्जिद के अंदर ये कहा कि वो कारपेट को और सफ़ों को उठाएँ और उनको फर्श को ऊपर नमाज पढ़ें, और ये भी लोगों को आगाही दी और नेमर साहब की आदत ने वफूद मुलाकातें की और माँ से चार सौ ने इस बात पर कन्विंस भी किया, कायल भी किया कि रोज़ाना की बुनियाद पर नमाजों को साथ मिला कर या मस का हमला होता है और फर्श को धोएँ, दीवारों को धोएँ ताकि जो है ना इस वायरस से इसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहब साहब। अभी आवाम के लिए अगर कोई पैगाम आप देना चाहें और उसके अलावा जो हमारे मुतल्लिका इदारे हैं हकामे वाला हैं उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो वो काइंडली। मैं इस मौके पर जो आपकी टीम हासिल आई और ये बहुत बड़ा एक काम कर रही है आगाही के हवाले से, मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब हमेशा आवाम की बात करते हैं, दुख दर्द की बात करते हैं, और मैं समझता हूँ कि नीयत भी इस वजह से शायद साफ़ होगी, उन्हें कहना चाहूँगा कि ये अभी वक्त नहीं है कि ये नई नई फोर्सेस को कायम किया जाए, जो लोग अभी ट्रेन नहीं हैं, जिनकी कोई तरबियत नहीं है, जो मनज़म नहीं है, अब नए नए दिल को थोड़ा बड़ा करें, और वो इदारे मुकामी हुकूमतें जिनको उन्होंने वक्त से पहले डिसॉल्व कर दिया था, अभी उनकी मुद्दत पूरी नहीं हुई थी, उसके बाद मुसलसल वो उसके अंदर जो है ना वो टर्म काम लेते हुए इलेक्शन भी नहीं करवा रहे कि अवाम अपने नुमाइंदे खुद चुने
तो अगर वो अभी इसमें दे रहे तो इन नुमाइंदों इन इदारों को जो मुकामी हुकूमतें हैं इनको कम अज़ कम इन 2-3 माह का ये जो क्राइसिस का पीरियड है इनके इनके लिए इनको बहाल कर दें। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा कि चूँकि मैं फ़र्कदस्तान का नुमाइंदा हूँ सदराज से, तो मुझे अपनी आबादी के हर घर के बारे में मालूम है कि कौन बंदा मुतासर है और कौन बंदा में इस मदद का मुस्तहिक है। इस तरह मैं समझता हूँ, मेरी इस बात बिल्कुल साफ है, मेरी नीयत है, मेरा इरादा कि तमाम जो कौंसलर हैं वो भी जानते हैं कि उनकी आबादी के अंदर उनकी और 10-15-20 गलियों के इस मोहल्ले या वार्ड के अंदर कौन लोग जो है वो डिज़र्व करते हैं सबका इस क्राइसिस के अंदर मदद को, हक बनता है, मदद चाहिए, तो उनको बहाल करें ताकि वो प्रॉपर तरीके से मदद मुस्तकीम तक पहुँच सके। और मैं एक बार यहाँ पर भी इजाफा करूँगा कि ये बड़ी मुश्किल घड़ी है, हर बंदा परेशान है, अवाम कौम पूरी मुसीबत में मुबतला है, दुखी अवाम है बहुत। इस मौके पर अगर कोई नुमाइंदा इसमें कोई गड़बड़ करेगा, करप्शन करेगा, तो लोग देख रहे हैं, लोग इतना लोगों को आपकी इस मीडिया ने मेहनती लोगों ने जो हक अलर्ट रहते हैं तो लोगों को आगाह कर दिया कि वो उसकी जरूरत ही नहीं है कि वो किसी मुस्तहिक को मुतासर की मदद ना करे और किसी गैर मुस्तहिक अपने किसी अजीज या अपने किसी लाडले या किसी चहेते के घर को राशन पहुँचा दे, लोग देख रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरी मुतालबा हमने पहले भी किया है, हमने पहले भी दो गुफ्तगू हुई वहाँ पर भी अमीर जमात जनाब सजाग साहब ने कल इस्लाम आबाद प्रेस को भी ये मुतालबा किया है, सारे फोरम में आया है कि बदाती इदारों को बहाल किया जाए, जितने भी तेज नगार हैं साफ़ी हैं वो सब बार बार ही मुतालबे कर रहे हैं। मैं खुद पढ़ा हूँ कि इन इदारों को बहाल किया जाए ताकि लोगों के जो लोग जानते हैं उन लोगों तक प्रॉपर और फौरी मदद पहुँचे। टैगर फोर्स बनेंगी, उसकी शर्टें छिलेंगी, ठेके होंगे, रिश्ते बनेंगी, लोग एक टैंक लोग होकर रोटी खाने की नहीं है। फिर एक बात और भी कि अब जनाब ये नया एक फार्म इशू किया जा रहा है जी, उस फार्म के ऊपर जनाब कौन सा टेस्ट करता है, सुबह अभी मतलब है घर में होते हैं 8 बजे पहले पहले जनाब तो घंटियाँ बजती हैं जनाब फार्म लोग ले कि जनाब दिन में कम अज़ कम भी 100 फार्म जो है मैं टेस्ट करता हूँ औसतन 3-4 दिन होंगे। और फिर वो जब जाते लोग तो मुझसे पूछते जी वो फार्म जमा कराया था हमने वो क्या हुआ जी, तो मैं कहाँ दिया था, कोई तो एसी ऑफिस में ले रहे हैं, कोई डीसी ऑफिस में ले रहे हैं, कोई ले रहे हैं बल्दिया के दफ्तर में ले रहे हैं, कोई कह रहे हैं जी जिला कौंसिल में पता कहा ले रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये इस वक्त मजाक का वक्त नहीं है, ये ड्रामबाजी का वक्त नहीं है, लोगों को फौरी इमदाद बनाएं और फौरी तौर पर लोगों को इमदाद मुहैया की जाए ताकि लोग जो हैं जो भूखे हैं जो परेशान आ रहे हैं उनकी फैमिली जो है ना बहुत सफ़र कर रही है मुतासर हुई हैं वो इस अपने इस सहूलत को या हुकूमती इमदाद को इंटरटेन कर सकें, उसे हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया शाहब साहब हमें वक्त देने का। और इसके साथ ही मैं अपने नाज़रीन से इस दुआ के साथ और इस तलकीन के साथ सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि महफूज रहें, अपने आप को बचाएँ, अपने प्यारों को बचाएँ और गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर निकलने से इस्तनाब करें। और इस दुआ के साथ इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से महफूज रखे, हमारे प्यारों को महफूज रखे और जल्द से जल्द हमारी नॉर्मल ज़िंदगी, हमारी नॉर्मल रूटीन दोबारा से शुरू हो। और बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह जल्द ही एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।